तो फाइनली आज मैं बात करूँगा आपसे ब्लैक विडो के ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में। फुल्ली ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ टास्क मास्टर को फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे टास्क मास्टर सबके मूव्स कॉपी करता है। यहाँ पे टास्क मास्टर ने कैप्टन अमेरिका का मूव्स कॉपी कर रखा है, कैप्टन अमेरिका सिविल वार मूवी से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मूव्स को कॉपी करता है ये बंदा। His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated. ये हमारी ब्लैक विडो यानी कि विधवा बहन जी ने बताया कि टास्कमास्टर रेड रूम्स को कंट्रोल करता है। I've always found it best. ये जो मूव आप देख रहे हो ये ब्लैक पैंथर का मूव है सिविल वॉर मूवी से। टास्कमास्टर ने बहुत ही बखूबी तरीके से कॉपी किया है इसको। पता नहीं इसके बाद वाइब्रेनियम कहाँ से आया होगा, इसके पास ब्लैक पैंथर के क्लोज वगैरह सब कुछ है। ये नेक्स्ट मूव अपने बच्चे यानी कि स्पाइडरमैन का है। स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क का बहुत बड़ा फैन है, तो उसने टोनी स्टार्क का मूव कॉपी किया था। और वैसे तो ये ओरिजिनली टोनी स्टार्क का मूव है आयरन मैन का। तीरंदाजी से कुछ याद आया आप लोगों को? हॉकाई भाई, हॉकाई भाई जान का ये स्टाइल है तीर चलाने का, तो ये यहाँ से इन्होंने कॉपी किया है हॉकाई से। रेड गार्डियन देखो कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड चला रहा है, ये रशिया का कैप्टन अमेरिका है। और ये जो हवा में फ्लोट हो रहा है ना, ये भी इसका खुद का स्टाइल नहीं है, आयरन मैन से कॉपी किया है। नहीं, ये स्टाइल इन आयरन मैन से कॉपी किया है। बहुत बड़ा वाला चोर है ये बंदा, कॉपी कैट मैन टास्क मास्टर। दरअसल ये मूवी यूएस से एक दिन पहले रिलीज हो रही है हमारे इंडिया में, यानी कि 30 अप्रैल को।